दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए अर्जुन सबसे प्रिय थे। अर्जुन का सारथी बनना भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने लिए सम्मान समझा था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कुछ भी नहीं छुपाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना दिव्य विराट रूप भी दिखाया था, जिस रूप को देखने की लालसा पूरे विश्व को रहती है। फिर क्यों एक सत्य केवल महारथी कर्ण को ही बताया गया और अर्जुन से छुपा के रखा? दोस्तों, वैसे तो महाभारत का युद्ध होना तय था, लेकिन उस युद्ध से होने वाले विनाश को श्री कृष्ण जी ने टालने का प्रयास किया था। लेकिन जब यह सुनिश्चित हो गया कि अब महाभारत का युद्ध अवश्य होगा, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस युद्ध को टालने का अंतिम प्रयास किया, जिसके लिए वह महारथी कर्ण के पास गए। उन्होंने कर्ण से कहा, आपने कभी ना सत्य जाना और ना ही जानने का प्रयास किया। आप कुंती पुत्र है और पांडव आपके सगे भाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप पांडव पक्ष में शामिल हो जाए, जिससे इस युद्ध में होने वाले महाविनाश को रोका जा सके। लेकिन महारथी कर्ण पांडवों का साथ देने से साफ मना कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, किंतु दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से लौट गए। दोस्तों, कर्ण के सच्चाई को भगवान श्री कृष्ण जी ने ना तो अर्जुन को बताया और ना ही अन्य पांडवों को। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस बात को पांडवों से क्यों छुपा कर रखा। दोस्तों, अर्जुन और कर्ण में भीषण युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का छल से वध कर दिया था। कर्ण का वध होने पर राजमाता कुंती रोने लगती है, तब पांडव भी सोच में पड़ जाते हैं, कर्ण के वध पर माता क्यों रो रही है? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि इस महायुद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुआ है। तब माता कुंती कहती है, कर्ण मेरा ही पुत्र है और तुम सबका बड़ा भाई है। कर्ण का जन्म मेरे विवाह से पूर्व हुआ था, जिसके वजह से मैंने इसे नदी में छोड़ दिया था। तब अर्जुन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और रो रो कर कहते हैं, भैया क्यों आपने हमें ये बात नहीं बताया? एक बार ही बताया होता कि आप हमारे ज्येष्ठ भाई है तो हम कभी ये युद्ध करते ही नहीं और चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लेते। फिर युधिष्ठिर को इतना क्रोध आया कि उन्होंने माता कुंती को यह श्राप दे दिया। उन्होंने माता कुंती से कहा कि माता, आपने तो हमसे ही अपने बड़े भाई का खून करवा दिया, इसलिए आज मैं श्राप देता हूँ कि भविष्य में कोई भी स्त्री किसी भी रहस्य को छुपा नहीं पाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ये बात पहले से ही जानते थे कि कर्ण कभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा, और अगर पांडव कर्ण की सच्चाई जान लेते तो वो कभी युद्ध ही नहीं करते और चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लेते, और फिर अधर्म के आगे धर्म की हार होगी, क्योंकि दुर्मते दुर्योधन के पक्ष में अधर्म था और पांडवों के पक्ष में धर्म है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण की सच्चाई को सबसे छिपा के रखा। दोस्तों, अगर कर्ण की सच्चाई को दुर्योधन जान लेते तो क्या होता, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।